तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमर शर्मा, और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो ये है ह्यूंडई की ईऑन, और ये जिनकी गाड़ी है वो इन्होंने इससे पहले भी कई एसी का काम कराया था, कंडेंसर चेंज कराया था हमारे ही शहर में। तो जिस एरिया में इन्होंने कराया था वहाँ के मैकेनिक को पता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, इसलिए वो सामान लगा के तुरंत चलाकर गाड़ी को फुर्सत करते हैं। और इनकी गाड़ी में कम 6 बार जो है गैस लीक हो जाती थी, 2 महीने पे, हर 2 महीने पे गैस लीक हो जाती थी, और साथ ही साथ वो गैस कम्प्लीटली जो है वो लीक नहीं होती थी, कुछ उसमें रह जाती थी, कुछ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती थी और कुछ लीक कर जाती थी। तो इसकी वजह से इनका एसी काम नहीं कर रहा था, और कई बार दिक्कत ये होती है कि कंप्रेसर जो है वो लिक्विड को कंप्रेस नहीं करता है, सिर्फ गैस को करेगा। तो अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो काम नहीं करेगा। तो इनकी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने जो कंसर्न बताया था मुझे वो था कि जब से मेरी गाड़ी का कंडेंसर ओरिजिनल वाला ख़राब हुआ है तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि हुंडई का ओरिजिनल जो कंडेंसर आता है वो आप इसमें डाल दो। तो ये गए और ये लोकल कंडेंसर जो है लेकर आए और वो मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद ये कंडेंसर, मुझे पहले से पता था कि ये कंडेंसर चोक है, ये काम नहीं करेगा, समस्या इसमें भी सेम आने वाली है, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि ये इसके अंदर ये जो प्रोसीजर 2 महीने में हो रहा था इसके कंडेंसर में 2 दिन के अंदर हो गया। इसमें क्या हुआ कि गैस तो थी, और प्रॉब्लम ये हुई कि सेम प्रॉब्लम गैस थी, कुछ गैस लीक हुई और लिक्विड फॉर्म में जो है एसी गैस कन्वर्ट हो गई थी। तो मुझे पूरा एसी सिस्टम जो है प्रेशराइज करके सारा पानी निकालना पड़ा अंदर से। और इसमें कस्टमर जो है प्रॉपर डिटेल नहीं बताते हैं, और जब कस्टमर इस तरह करते हैं मैकेनिक को होती है प्रॉब्लम, हमें भी होती है, हम लोग भी बिया टेक्नीशियन हैं, हमें भी दिक्कत आती है। क्योंकि कस्टमर जब गलत चीज़ें बताएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी जो है वो गलत डायरेक्शन में, जो भी टेक्नीशियन काम करेगा वो गलत डायरेक्शन में ऑलरेडी चला जाएगा। अब बेसिक से एसी के अंदर जो है 4-5 पार्ट्स ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते कि जिसमें कि आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। तो कस्टमर जो है अपनी गलती मान नहीं रहे थे, और एक तो वो ख़राब पार्ट लेके आए, और क्योंकि मैंने इससे पहले एक गाड़ी में लोकल जो है कंडेंसर डाला है, और लोकल कंडेंसर में ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप लोकल कंडेंसर डालते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका कंप्रेसर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो जो गैस कंप्रेस होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे चली जाती है, और कई बार कंप्रेसर जो है वो ट्रिप नहीं करता। हमारे एसी का बेसिक सिस्टम है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने लगे या फिर गाड़ी का जो अंदर कूलिंग कॉइल है बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगे तो एसी कंप्रेसर ट्रिप मारता है। लेकिन प्रॉब्लम कई बार ये हो जाती है कि एसी कंडेंसर की वजह से प्रेशर इतना हाई हो जाता है लेकिन अंदर जो है वो आपकी कूलिंग नहीं आती, जिसके कारण से गैस लीक हो जाती है। कई बार आपका जहाँ से आप हाई प्रेशर वाल्व है वहाँ से भी लीक करती है, आपके ओरिंग के थ्रू लीक करती है, कई तरह से गैसेस जो है वो लीक करते हैं और गाड़ी में प्रॉब्लम बनी रहती है। तो जब भी देखिए, अगर आप कार में एसी के पार्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, देखिए कुछ लोकल पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, आप पाइप यूज़ कर सकते हो, कूलिंग कॉइल यूज़ कर सकते हो, ठीक, लेकिन 2 चीज़ें आपको हमेशा ओरिजिनल यूज़ करनी है, कंप्रेसर और कंडेंसर। ये 2 चीज़ें हमेशा ओरिजिनल ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ओरिजिनल सामान यूज़ करते हो तो गाड़ी का जो प्रेशर है वो आइडल पे हमेशा सही रहता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे भी नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।